नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार, मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसान है जो वो आंदोलन पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज 2 बजे उनकी सरकार के साथ मीटिंग हुई है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन आप देख सकते हो कितना मुस्तैद है। बैरिगेटिंग यहाँ लगाई हुई है, बैरिगेट्स लगाए हुए हैं। पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े हुए हैं कि कहीं किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हुए हैं कहीं उगर न हो जाए। इसलिए किसान आप देख सकते हो, DSP साहब यहाँ पर मौके पर हैं और SHO साहब भी यहीं पर ही मौके पर मौजूद हैं। और जो आगे की तैयारी है वो हम दिखाते हैं। आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों के अंदर। उसके पीछे, मेरे पीछे आप RPF का जो है बैरिगेट्स, वो पीछे खड़े हुए हैं। हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी परंतु इनके पास परमिशन नहीं है। तो आइए, हम जो पीछे की और जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। देख सकते हो जैसे कि आगे हरियाणा पुलिस का जो है बैरिगेट्स लगा हुआ है, उसके के जो जवान हैं, और इस साइड आप देख सकते हो BSF के जो जवान हैं और वाटर कैनन जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और चलिए हम और पीछे चलते हैं और आगे की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाते हैं। और जो और पीछे देखते हैं तो हम आगे JCB भी खड़ी हुई है, जिससे कि किसान अगर उग्र होते हैं तो पुलिस मुस्तैद है। हमारे जवान हैं, BSF के जवान हैं, वो मुस्तैद हैं, आप देख सकते हो। और जो क्रेन है वो भी यहाँ खड़ी हुई है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पुलिस की व्यवस्था है वो है। ये RPF के जवान है, ये जा रहे हैं। इस तरफ RPF के जवान खड़े हुए हैं। पहला नाका है आगे, वो हरियाणा पुलिस का है। उसके बाद BSF और RPF के जो जवान है वो आते हैं। ये DSP साहब की यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। और आगे जो व्यवस्था हम RPF के जवान हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके बाद जो जैसे कि ये ट्रक के जो डब्बे हैं वो सड़क के ऊपर रख रखे हैं। इस साइड व्यक्ति बैठे हुए हैं और आगे आप देख सकते हो JCB भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और यहाँ पर जो सड़क किसानों को रोकने के लिए भारी भरकम जो पत्थर हैं वो भी सड़क के ऊपर रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी भी खड़ी हुई है कि आंदोलनकारी अगर उग्र होते हैं तो इनके ऊपर पानी की बौछार की जाए। इससे आगे हम दिखाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बसेज खड़ी हुई है और हरियाणा पुलिस के काफ़ी जवान वहाँ पर हैं। यहाँ पर